नहीं, दोबारा लगाया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, समबाहु त्रिभुज, सामने ध्यान हो सबका। एक तो ये नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? नाम से ही इक्वल इक्वल, मतलब अपने आप में ही साउंड दे रहा है इक्वल की, हो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यानी जी बिल्कुल क्लियर कहानी है कि ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स कैसी हो, इक्वल। सही है, यानी ये वाली साइड अगर ए है तो ये भी क्या है, ए, और ये भी क्या है, ए। तो नाम से पता चल रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 180, और तीन इक्वल पार्ट में बांटोगे तो कितना कितना होएगा, 60 60 60। तो यानी इसके तीनों एंगल भी क्या बनेंगे भाई, 60 60 और 60। साथ साथ नोट नहीं करो, बस सामने देखो। इसको मैं यही तुम्हें याद करा दूंगा, जितना भी इसमें पूछेगा। आज की क्लास में ये खत्म भी हो जाएगा तुम्हें याद करने तक, ठीक है ना? अब तीनों एंगल भी बराबर और तीनों साइडें भी बराबर। अब इसमें जो मेन कहानी है वो क्या है, मैं क्या करूं, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूं जो सामने 90 बनाए। इसको हम नाम देते हैं क्या, एल्टीट्यूड। ये ऐसा नहीं है, बहुत नई चीज है, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। तो बेसिकली एल्टीट्यूड का काम होता है 90 बनाना। क्या बनाना भाई, 9। अब एल्टीट्यूड का काम तो 90 बनाना होता था। हमने तीन चीजें बहुत अच्छे से समझी थी। किसी भी जनरल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो एक तो वो जो 90 बनाए तो वो होता था भाई एल्टीट्यूड। दूसरा क्या बताया था, जो मिड पॉइंट पर जाकर मिले, तो इसका मिड पॉइंट लगभग यहां बन सकता है। तो जो मिड पॉइंट पर जाकर मिले वो क्या होता है भाई, मीडियन। और एक तीसरा क्या बताया था, एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को क्या करे भाई, बाइसेक्ट करे। तो ये एंगल दिख रहा है तुम्हें पूरा, अगर इसके दो बराबर हिस्से करने हो तो लगभग यहां बनता हुआ दिखेगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो एंगल बाइसेक्टर का काम था एंगल को बाइसेक्ट करना, मीडियन का काम था मिड पॉइंट पर जाकर मिलना, और एल्टीट्यूड का काम था क्या बनाना, 90। तो इन जनरल किसी भी ट्राइंगल की बात करें तो तीनों चीजें अलग होती हैं। एल्टीट्यूड अपना काम करेगा, मीडियन अपना काम करेगी, और एंगल बाइसेक्टर अपना काम करेगा। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं? लेकिन जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात आती है तो वहां पे क्या कहानी है, वहां पे कहानी ये है कि ये जो एल्टीट्यूड है ना बच्चे, यही इसकी मीडियन भी है। जबकि इन जनरल ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ना, बल्कि ये मीडियन है, यही इसका एंगल बाइसेक्टर भी है। यही इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड, और जो एल्टीट्यूड है वही क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो ऐसा ट्राइंगल भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। साथ साथ नोट देखो, सामने देखो। तो किसी ट्राइंगल में ऐसा कह दे कि जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड, और जो एल्टीट्यूड है वही क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो 100% वो कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है। हालांकि आइसोसेलेस में भी होगा, लेकिन वहां सिर्फ एक ही एंगल के लिए होगा, यहां हर किसी के लिए होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है, बाकी ट्राइंगल में ऐसा नहीं था। अब दूसरी मजेदार बात पता है क्या है, दूसरी मजेदार बात यह है कि ये ट्राइंगल है एबीसी, तो ये तुम ड्रॉ करने जाओगे एडी, ये एल्टीट्यूड भी है, ये मीडियन भी है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी है। वैसे ही तुम लोग ड्रॉ करने जाओगे यहां, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये मीडियन भी है, और ये क्या है भाई, एल्टीट्यूड। और वैसे ही तुम थर्ड वाला ड्रॉ करने जाओगे तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये एल्टीट्यूड भी है, और यही क्या है, मीडियन। बाकी ट्राइंगल में ऐसा नहीं था। तो इसमें सारी की सारी चीजें एक ही हैं और सारी की सारी एक ही पॉइंट से गुजरेंगी। एक मजे की बात यह भी है कि ये तीनों ही बराबर होंगे, यानी एडी बराबर किसके होगा, बीई बराबर किसके होगा भाई, सी है। क्या सामने मेरी बात समझ में आ रही है? तो ना बल्कि इसकी साइडें बराबर हैं, इसकी तो मीडियन भी क्या हो गई, बराबर। अरे तीनों मीडियन बराबर हो गई। अब इन्हीं को मीडियन कह रहे हो, इन्हीं को एल्टीट्यूड कह रहे हो, इन्हीं को क्या कह रहे हो, एंगल बाइसेक्टर।
तो एक चीज यहां ये भी क्लियर होगी, ऑल मीडियंस आर इक्वल। तो दूसरी कहानी ये है कि सारी की सारी मीडियन भी आपस में क्या होंगी भाई, बराबर। तो ये ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा मीडियन है वही एल्टीट्यूड भी है, और जो एल्टीट्यूड है वही क्या है भाई, एंगल बाइसेक्टर। तो यानी ये सारी ही चीजें आपस में क्या होंगी, बराबर। क्या सबको मेरी बात समझ आ रही है? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल मीडियंस आर इक्वल, क्योंकि मीडियन ही एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ही एंगल बाइसेक्टर, तो ऑल मीडियंस आर इक्वल, ऑल एंगल बाइसेक्टर्स आर इक्वल। ये सारी कहानी किसकी हुई भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एक चीज पे गौर करना, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं वो अच्छे से कनेक्ट करेंगे, जो नहीं थे वो ध्यान से सुनो। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला, क्योंकि ये तीनों मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और तीनों मीडियंस जहां कट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देते थे, सेंट्रोइड। क्या नाम देते थे उसे, तो ये पॉइंट सेंट्रोइड होना चाहिए। तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां कट होते थे वो क्या होता था, इन सेंटर, क्योंकि यही एंगल बाइसेक्टर भी है, तो यही वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, इन सेंटर। इन सेंटर बेसिकली क्या होता है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाना है, तो अंदर सर्कल बनाने के लिए जिस सेंटर की रिक्वायरमेंट है वही क्या है, इन सेंटर। क्योंकि यही तीनों क्या है, एल्टीट्यूड भी है, और एल्टीट्यूड जहां कट होते थे वो क्या होता था भाई, ऑर्थो सेंटर। तो इसका तो ऑर्थो सेंटर भी यही होगा, और इसका सरकम सेंटर भी यही होगा, इसका सरकम सेंटर भी क्या होगा, जबकि बाकी जगह ऐसा नहीं था। जब बाकी जगह ऐसा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी बात हो रही है कि चारों के चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो वो ऐसे लिख के पूछता है, ऑल सेंटर्स आर कौन साइड, सारे के सारे सेंटर कैसे होते हैं भाई, कौन साइड। कौन साइड का मतलब समझ रहे हो, लाई ऑन द सेम पॉइंट, लाई ऑन द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि सारे के सारे सेंटर अगर एक ही पॉइंट पर हैं तो ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल होगा, क्या सबको मेरी बात समझ में आई? हेडिंग लगाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहां से नोट करना स्टार्ट करो। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, जो एल्टीट्यूड है वही मीडियन है, जो मीडियन है वही क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। कोई घाई नहीं है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना, ठीक है ना। हो गया भाई,
कौन साइड समझ रहे हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, किस पे होते हैं एक ही पॉइंट, ऑल सेंटर्स आर कोइंसाइड यानी समपाती होते हैं। डन हो गया भाई सबका, कोई डाउट यहां तक? ये सारी कहानी पता चल रही है तुम्हें इसके बारे में, ठीक है ना? ये सारी कहानी किसकी थी भाई? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये थ्योरी वाला पार्ट तो तुम समझ गए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल मीडियंस आर इक्वल, जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड है वही एंगल बाइसेक्टर, सारी कहानी क्या है सेम, सारे के सारे सेंटर भी एक ही पॉइंट पर होते हैं। जब सारे के सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं तो इस एंगल को चाहे जैसे मर्जी निकाल लो, सेम ही निकल के नहीं आएगा। अगर ये इन सेंटर है तो 90 + a½, और ए हाफ यानी 60 का हाफ यानी कितना 30 120, 60 का डबल 120, और 180 - 60 तो भी कितना आएगा 120, चाहे जैसे मर्जी निकाल दो सेम ही आएगा। हटाओ इसको भाई। अब यहां से आगे थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो हुई थ्योरी वाली बात, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। मैंने यहां पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, और इत्तेफाक से एल्टीट्यूड ही क्या होता है मीडियन, तो ये a/2, तो ये भी कितना होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, और ये वाली साइड भी a है और ये वाली साइड भी क्या है a। पक्का समझ पा रहे हैं? इसको थोड़ी देर के लिए हमने d नाम दे दिया, ये वास्तव में क्या है h है। हाइट भी कह सकते हो, एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, मीडियन इसमें कुछ भी कह दो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। थोड़ी सी थ्योरी तुम्हें समझ आती होगी, 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सब लोग समझ पाते होंगे, ये तुम्हारा बेस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये तुम्हारा क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये बन गया एच स्क्वायर और ये बन गया ए स्क्वायर बाय 4, और ये कितना हो गया ए स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 4a² - a² यानी कितना हो जाएगा 3a² बाय 4, तो यहां से h बराबर क्या बनता दिखेगा रूट में 3a² बाय 4, तो यहां से h जो बनेगा वो क्या बनेगा रूट 3 आएगा a, और 4 से कितना बाहर आएगा 2। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं? तो पहला पॉइंट बना कि इसकी जो हाइट होगी वो हाइट किसके बराबर होगी √3/2 × a, a का मतलब समझ पा रहे हैं क्या होगी इसकी साइड, पक्का समझ रहे हैं? दूसरी चीज तुम देखो कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 base × height, अरे होता है कि नहीं? तो इसका अगर मैं एरिया निकालने जाऊं तो ये 1/2
अब मैंने बेस तो ये वाला लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे हाइट ये वाली लेनी है, तो बेस की जगह कितना पुट कर दो ए, क्योंकि पूरी साइड कितनी है वो ए। अरे पूरी साइड ए है या नहीं? Yes, sir. तो ये पूरी साइड तो ए हो गई, तो बेस की जगह क्या पुट कर दो ए, और इसकी हाइट कितनी है रूट थ्री बाई टू इंटू ए। सॉल्व करेंगे तो क्या बनता हुआ देखेगा, ये रूट थ्री और नीचे कितना हो गया फोर, और ये कितना हो गया ए स्क्वायर। तुमने यही वाला फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि इसका एरिया कितना होता है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर। अरे आई बात समझ, तो इसकी हाइट तो हो गई ये और इसका एरिया हो गया ये दो पॉइंट भी नोट कर लो। एक साथ जो जो क्वेश्चन बनेंगे सबको खत्म कर लेंगे, ठीक है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है? डन हो गया भाई? तो सीधा सीधा हाइट याद रख सकते हैं रूट थ्री बाई टू इंटू ए, सीधा सीधा एरिया याद रख सकते हैं रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना? समझ तो आ रहा होगा कि थोड़ा सा देखो कम इंटरेस्टिंग तो है, क्यों ही बना रहे हैं क्यों ही हाइट निकाल रहे हैं, लेकिन इस सबका वेटेज बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? अगर तुम इसमें कॉम्पिटेटिव में जाओगे एसएससी वगैरह किसी की भी तैयारी करोगे तो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री का बड़ा रोल है, समझ रहे हो? एक टाइम था जब छह छह क्वेश्चन भी इससे आते थे, अब भी दो से तीन क्वेश्चन यहाँ पूछ ही लेता है, मतलब अकेला टॉपिक तुम्हें छह नंबर देके चला जाएगा। ये डन हो गया, अब इससे आगे समझते हैं, बस छोटा सा काम और बचा है ये खत्म ही हो जाएगा। अभी तुमने एक बात सीखी कि यहां जो सेंटर आया था इसका तो सब कुछ यही है, इसका तो इन सेंटर भी यही है, इसका तो सर्कम सेंटर भी यही है, तो इसका मतलब अगर इसके बाहर सर्कल बनाने जाएं तो बाहर सर्कल बनाने के लिए यही सेंटर काम करेगा। अरे करेगा या नहीं? इसके अंदर अंदर सर्कल बनाने जाएं तो भी यही वाला सेंटर काम करेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, बच्चे समझ पा रहे होंगे? और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुम्हें पता है सारे के सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो ये बाहर वाले का भी सेंटर है और ये अंदर वाले का भी सेंटर है, तो जब ये दोनों का ही सेंटर है तो यहां से अगर मैं बाहर वाले सर्कल को मिला दूं तो ये वास्तव में बाहर वाले सर्कल की रेडियस होनी चाहिए या नहीं? तो ये वास्तव में कैपिटल आर होना चाहिए, अरे होना चाहिए। और यहां से अगर मैं नीचे की ओर मिला दूं भाई तो ये क्या होना चाहिए स्मॉल आर। क्या तुम लोग एग्री कर रहे हैं? पक्का सब लोग समझ पा रहे हैं? तो यार ये यहां से यहां तक अगर तुम देखो सारा खेल इसका है, ये कैपिटल आर और ये कितनी है स्मॉल आर, कोई दिक्कत इसमें? और तुम्हें बहुत बढ़िया से पता है कि यही वाला जो पॉइंट था यही इसका इन सेंटर भी था, यही इसका सरकम सेंटर भी है, और तुम्हें पता है कि यही इसका सेंट्रोइड भी है, और इवन यही इसका ऑर्थो सेंटर भी है।
ये मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, कई क्लासेस में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हाँ यही वाली कहानी। अब मजेदार बात पता है क्या है, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, चूंकि ये सेंट्रोइड है, क्या है ये, और सेंट्रोइड मीडियन को डिवाइड करता है किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। तो चूंकि ये सेंट्रोइड है तो ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, क्योंकि सेंट्रोइड का काम ही होता है 2:1 में डिवाइड करना। तो इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा अगर कितना है 2, तो नीचे वाला हिस्सा कितना होगा, एग्री कर रहे हो? तो इसका मतलब ये निकल के नहीं आ गया कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो भी कितना होगा, 2:2। अरे होगा या नहीं, पक्का होना चाहिए। ऊपर वाला हिस्सा कैपिटल आर और नीचे वाला हिस्सा स्मॉल आर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो भी कितना होगा, 2:1। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं? अगर ये 2:1 है, सामने ध्यान देना, तो कैपिटल आर अगर मैं निकालने जाऊं तो ये ऊपर वाला हिस्सा 2, नीचे वाला हिस्सा 1, पूरा हिस्सा कितना हो गया, 3। इस 3 का 2/3 पार्ट कह दूं, तो 2/3 पार्ट ऑफ किसका भाई, एडी का, ये कैपिटल आर होना चाहिए कि नहीं? और यही मैं स्मॉल आर निकालने जाऊं तो ये क्या होना चाहिए, 1/3 किसका, एडी का। क्या एडी तुम नहीं निकाल के लाए हो? एडी मतलब क्या, एडी मतलब क्या, इसकी हाइट, और इसकी हाइट तुमने कितनी निकाली थी, √3/2 × a। तो इसका मतलब इसको तुम कह सकते हो 2/3 × में √3/2 × a। बच्चे समझ पा रहे हैं? तुम देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इस √3 से 3 को डिवाइड करोगे तो नीचे कितना बनता दिखेगा, √3। क्या बनता दिखेगा? तो इसकी कैपिटल आर हमेशा किसके बराबर होगी, a/2। अरे होना चाहिए। स्मॉल आर निकालने जाएंगे तो 1/3, और एडी तुम्हें पता है कितना है, √3/2 × a। √3 से इसको कट करेंगे, √3 बार कट हो जाएगा, तो ऊपर तो बन गया a और नीचे कितना बन गया, 2√3। तो ये इसकी क्या होगी भाई, स्मॉल आर। अरे आई बात समझ, तो ये इसकी कैपिटल आर और ये क्या होगी, इसकी स्मॉल आर। पक्का समझ में आ गया? बस यही 4 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल काम इसमें है नहीं। सबसे पहले मैंने बताई इसकी हाइट, जो कि होती है √3/2 × a। दूसरा मैंने बताया इसका एरिया, जो कि होता है √3/4 × a². तीसरा मैंने बताया इसकी कैपिटल आर, जो कि होगी a/√3। और चौथा मैंने बताया स्मॉल आर, जो कि क्या होगी, a/√3। अब चाहे जो मर्जी पूछे, इतने में खत्म हो गया। कुछ कुछ आई बात समझ? किसी को डाउट है तो बताओ। तो कैपिटल आर पूछ सकता है, और पूछ सकता है क्या, ना जाने कितनी बार पूछा है। स्मॉल आर पूछ सकता है, तो स्मॉल आर भी तुम लोग निकाल लोगे। कैपिटल आर समझ पा रहे हैं, बाहर वाले सर्कल की रेडियस, स्मॉल आर बोले तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस। और ये सिर्फ किसकी कहानी चल रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी चल रही है जिसकी साइड कितनी है, a। समझे क्या? ये जितना मैंने कराया इतना ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें इतना ही पूछेगा, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, एरिया, यही सब पूछता रहेगा। और नहीं तो यही पूछ लेगा, सारी मीडियंस बराबर है ट्राइंगल बता दो, तो सारी मीडियंस बराबर है तो ट्राइंगल 100% क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे हो यार? ये √3 तो है ही, ऊपर तो ये है ही, इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3। 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 नहीं, और इंटू में कितना हो गया, 2। इस √3 से तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, a/√3। हाँ कैसे, नहीं फालतू क्यों है, एक ही वैल्यू रखेंगे, सीधा 2√3 से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल के आएगी, स्मॉल आर। वरना फिर वहां 3 लेके चलो, वहां लेके चलो, बात तो वही है, ठीक है। 6 कहाँ रहा है? हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, 6 और ऊपर √3 कर सकते हैं, √3 है, और डिवाइड में कितना कर देंगे, 6 कर देंगे।
हो गया। आजकल तेरी आवाज नहीं निकल रही बिल्कुल। हाँ अच्छा, पहले तो बहुत बोलती थी। नहीं अच्छा, प्रगति है। कल प्रगति आएगी वो तेरा नाम ले देगी। नहीं इंग्लिश में दिवाली का नशा है। उन नशों में जो हरामखोरी भर गई है ना, वो ऐसे नहीं जाएगी, एक जुड़ हफ्ते में जाएगी। जैसे मेरा खुद मन नहीं कर रहा था आने का आज। आपने पहले मना कर दिया था जबकि इन्होंने पहले में रीजनिंग ये बोली थी आज बोली और भी एकदम से दोपहर में बोल दे कि मार्क्स के लिए। नहीं, रीजनिंग वाले सर भी आए थे। हाँ हाँ वो आए थे बट हमें रीजनिंग ही बोला था। उन्हें भी दिवाली का खुमाल चढ़ रहा होगा। तो बच्चों को भी चढ़ता है। डन हो गया भाई, ये सब नोट कर चुके। यस सर। चलो क्वेश्चन नोट करना, जितने भी पॉइंट पूछता है एक ही क्वेश्चन में खत्म करेंगे। लिखो, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड नहीं हिंदी, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। कर चुके ना वो नोट सब कुछ। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देन फाइंड, तब तुम्हें फाइंड करना है। क्या क्या पूछ सकता है? वैसे तो सारी बात तुम्हें समझ आई गई है। नंबर फर्स्ट पूछ सकता है लेंथ ऑफ ईच मीडियन, लेंथ ऑफ ईच मीडियन। सेकंड पूछ सकता है लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड। थर्ड क्या पूछ सकता है भाई? एरिया पूछ सकता है। फोर्थ क्या पूछ सकता है? इन रेडियस पूछ सकता है। फिफ्थ क्या पूछ सकता है? सरकम रेडियस पूछ सकता है। ठीक है, फिर आगे उसका मना है, ऐसा पूछ सकता है कि एरिया ऑफ इन सर्कल बता दो। ऐसा हो सकता है कि एरिया ऑफ सरकम सर्कल पूछ ले। ठीक है ना, चाहे जो मर्जी पूछे, देखो क्या आंसर बनेंगे। अभी बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि सारी थ्योरी तुम्हें पहले से पता है। एक बार खुद से सॉल्व कर लो, याद हो जाएगा। लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, तो यहीं पे याद हो जाएगा जो भी है।
हो गया तेरा? इधर हो गया, पढ़ ले पढ़ ले। आवाज देना है तुझे, कुछ चाहता है क्या? नहीं बच गया। लिखा हुआ भी है वैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालना पड़ेगा। मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन इसकी कितनी होगी? रूट 3/2 इनटू ए, और तीनों मीडियन बराबर होंगी इसलिए ईच मीडियन बोल दिया है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12, तो रूट 3/2 इंटू 12 कितना हो गया? 6√3। कोई डाउट इसमें? जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड होता है, तो ये भी कितना होगा? 6√3। अरे होगा या नहीं? कोई डाउट है क्या इसमें? इवन एंगल बाइसेक्टर पूछता तो भी कितना होता? 6√3, क्योंकि जो मीडियन है वही एंगल बाइसेक्टर, वही क्या है? एल्टीट्यूड। ये किसकी कहानी है? राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया अगर हम बोले तो एरिया बनेगा √3/4a². अरे बनेगा कि नहीं? और √3/4, a की वैल्यू कितनी है? 12, तो 12 × 12, 4 से कट करेंगे 3, तो ये कितना बनता दिखेगा? 36√3 cm², या स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चे एग्री कर रहे हैं? इन रेडियस क्या होती है इसकी? a/2√3। और यही होती है ना इन रेडियस। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। डिवाइड किससे करेंगे भाई? 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 2√3। सब लोग समझ पाते होंगे? 2 × 3, ठीक है, और 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। एरिया ऑफ सर्कम रेडियस निकालने जाए तो क्या बनेगा? a/√3, तो ये बनेगा 12/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा? 4√3। मेरे हिसाब से सॉल्व तो सब कर ही पा रहे होंगे। एरिया ऑफ इन सर्कल, सर्कल का एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या? πr² सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² अब कॉमन सेंस है इन सर्कल का निकालना है तो स्मॉल आर का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल पूछे, ये भी पाई इंटू रेडियस स्क्वायर होगा। सर्कम सर्कल का पूछेगा तो रेडियस कौन सी वाली लेंगे? बड़ी वाली, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह तो पाई रख दो, आई की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 2√3, तो ये तो बन जाएगा 12π। अरे बन जाएगा। और अगर सर्कम सर्कल का पूछ रहा है तो पाई इंटू बड़ी वाली रेडियस रख दो, 4√3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 48π। कुछ समझे क्या तुम लोग? बस इतना ही है जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है तो ये फॉर्मूले याद रख लो, बस तुम्हारा काम चल जाएगा। इन रेडियस पूछेगा, सर्कम रेडियस पूछेगा, फॉर्मूला याद होगा तुम्हें पता चल जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम इसमें नहीं है।
डन हो गया भाई सबका? कोई ऐसा जो ना समझा हो? तो ये तो निकालना बहुत आसान काम नहीं था, ये तो तुम देखोगे सीधा टिप्स पे आ गया। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, मीडियंस, एल्टीट्यूड सारे इक्वल होंगे। चार पांच चीजें हैं जो बात करनी है। सबसे पहले हाइट रूट थ्री बाई टू इंटू ए, एरिया रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर, सर्कम रेडियस ए बाय रूट थ्री, इन रेडियस ए बाय टू रूट थ्री, कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो 2:1। सारी कहानी यही है, बाकी कुछ है ही नहीं। तुम दोनों बहने हो? तुम दोनों? हम दोनों नहीं, ये पूछ रही है मतलब अच्छे वे में से। डन हो गया भाई? कोई डाउट यहां तक? अब कोई भी क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल से आएगा कर दोगे? अब तो कर ही दोगे, और तो पूरी कहानी तुम्हें समझ नहीं आ गई है। अच्छा, बस अब अगला क्वेश्चन आपको मांगते हैं तो करके ही दिखा दो। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। कह रहा है पी इज अ पॉइंट, पी पी इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। पी इज अ पॉइंट, पी इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। पी इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। पी कोई पॉइंट है इसके इंटीरियर में, यानी इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है। कह रहा है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पी टू इट्स साइड्स, फ्रॉम पी टू इट्स साइड्स आर 2√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर एंड 4√3 सेंटीमीटर एंड 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है भाई। पहले तो क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ लो, फिर इसकी फिगर ही बना लो, फिर देखो कुछ कर सकते हो क्या।
देखो जैसे भी निकाल सकते हो, मुझे तो एरिया बता दो तो, कौन सा वाला ट्राइंगल का, एबीसी का। इक्विलेटरल ट्राइंगल में फिगर में क्या दिख रहा है, बन ही जाए। पी मिड में आया, पी से परपेंडिकुलर डाले गए साइड पे। अच्छा इधर जाएगा। हाँ परपेंडिकुलर बेसिकली क्या होता है, जो 90 डिग्री डिग्री बनाते हैं, और वो पी पॉइंट से डाले गए। ये पी है अगर, हाँ कहीं भी पी ले सकते हो, एक परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर, हाँ और एक इधर। देख रहे हो इतना पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी चेंज कर देगा तो तुम्हें फिर दिमाग लगाना पड़ेगा क्या होने लग रहा है। ज्योमेट्री चलती है कनेक्ट होके भाई, जितना बेस से कनेक्ट करोगे उतना बढ़िया सीख जाओगे, नहीं तो लोगों की जिंदगी गुजर गई, ज्योमेट्री नहीं आई उन्हें। अरे कुछ केवल आंसर देने की बात है तो आंसर देना तो बेहद आसान काम है। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुमसे ऐसा कहा जाए, इक्विलेटरल है तो मतलब साइड तो बराबर होंगी ही, जब भी तुमसे ऐसा कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर हम करने जाएंगे और ये पॉइंट है कोई पी, और परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी हूं, क्या दे रखी हूं भाई, लेंथ, क्या क्या लेंथ दे रखी है, 2√3 और 3√3 और बच्चे क्या 4√3। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, सब लोग समझ रहे हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही हो तो आंसर देना इतना आसान है कि हमेशा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी ना वो इन परपेंडिकुलर के सम के बराबर होगी। जो हाइट होगी वो हमेशा क्या होगी, इनके सम के बराबर। क्यों होगी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये हमेशा होगा। तो इसकी हाइट कितनी निकल के आ गई, 9√3। अरे आ गई या नहीं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती कितनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती क्या है, 2√3/2 × a, और यही कितना है, 9√3। अरे एग्री कर रहे हो, रूट थ्री से तो रूट थ्री जाएगा, ये टू इधर आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा a बराबर, बताओ तुम लोग समझे नहीं। जब इसकी साइड ही तुम्हारे पास आ गई तो तुम कुछ भी नहीं निकाल दोगे, अब तो कुछ भी निकाल दो, क्योंकि सारा खेल किसका है इसमें, साइड का। कोई कह रहा है जिसका एरिया निकाल दो, कौन सी आफत आने लग रही है, एरिया होता क्या है, 2√3/4 a² तो √3/4, और a की वैल्यू कितनी है, 18 × 80। 2 से कट करेंगे 2, 2 से कट करेंगे 9, 2 से कट करेंगे तो 9 9 जा कितना हो गया, 81√3² cm। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या तुम लोग समझे या नहीं। मन में यही आ रहा हुआ है हाइट हो कैसे गई, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम लोग एक बार आंसर नोट करो। होगा हमेशा ऐसा ही, किसी पॉइंट से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर्स का जो सम होगा वो हमेशा ही किसके बराबर होगा, हाइट के बराबर।
गया क्या भाई सबका? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब मन में एक बात है कि हाइट बन कैसे गई, तो ये हाइट बन कैसे रही है इसको मैं एक बार तुम्हें प्रूफ कर देता हूं, बाकी तुम्हें याद तो ऐसे ही रखना है। और एक बार इसकी साइड तुम्हारे पास आएगी तो फिर तुम कुछ भी निकाल सकते हो, इन रेडियस सर्कम रेडियस जो तुम्हारा मन आए वो तुम निकाल सकते हो। सही है, आओ इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, हटाओ इसे थोड़ा सा। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है और इसके अंदर कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट क्या है इसके अंदर पी, और पी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें भाई, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दो, एक यहां ड्रॉ कर दो, एक यहां कर दो, ये पॉइंट है पी, मान लो इसकी लंबाई है पी वन, ये है तुम्हारा पी टू और ये है मान लो तुम्हारा पी थ्री, समझ पा रहे हैं? और ये तुम्हारा कितना है भाई पी। यहां तक कोई डाउट है तुम्हें? अरे कोई डाउट है क्या यहां तक? अब एक चीज पे गौर करो, मैंने ना इनको वर्टेक्स को ज्वाइन करा दिया इस पी से, ये पॉइंट तुम्हारा पी है, तो जब वर्टेक्स को ज्वाइन करा दूंगा तो तुम देखो कितने ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं तुम्हें, तीन ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे हैं, अरे दिख रहे हैं कि नहीं? और चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी की सारी साइड क्या होंगी ए, अरे होंगी या नहीं? अब इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है तो मैं तीन छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो क्या एरिया नहीं बन जाएगा? अरे बन जाएगा। तो यानी ट्राइंगल एबीसी का अगर मुझे एरिया निकालना है तो ट्राइंगल एक तो मैं ले लूं एपीबी, एपीबी दिख रहा है सबको? अरे एपीबी दिख रहा है। एक ट्राइंगल का एरिया ले लूं कौन सा भाई, बीपीसी, और एक ट्राइंगल में कौन सा ले लूं पीएसी या एपीसी कह लो। पहले बताओ ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको? हाँ पिंक वाले से। तो ये ट्राइंगल हो गया भाई, अरे हो गया कि नहीं? एक तो ये ट्राइंगल हो गया और एक दूसरा ट्राइंगल नीचे की तरफ दिख ही रहा है तुम्हें, एक ये ट्राइंगल हो गया और एक तीसरा ट्राइंगल ये वाला। तो तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के अगर ऐड कर दे तो भी पूरे ट्राइंगल का एरिया बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। बड़े वाले ट्राइंगल को तुम लोग कहो तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, बेस किसी को भी कंसीडर कर लो तो बेस कितना मान लो ए और इसकी हाइट को कितना मान लो एच, अरे कह सकते हो कि नहीं? तुम जरा इस एपीबी का एरिया देखो, एपीबी दिख रहा है तुम्हें? एपीबी में बेस कितना है, ये बेस हो गया ए और ये इसका जो वर्टेक्स है इससे हाइट ड्रॉ करी जो कि कितनी है पी वन, अरे दिख रही है सबको? तो इससे जब हाइट पी वन ड्रॉ हुई तो बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ही तो होता है, तो इसका एरिया बनेगा वन अपॉन टू, बेस है ए और हाइट कितनी है इसकी पी वन। सबकी बात बुद्धि में आ रही है? दूसरा वाला देखेंगे तो वन अपॉन टू बेस कितना है ए और हाइट कितनी है पी टू, और तीसरा वाला देखेंगे तो वन अपॉन टू बेस कितना है ए और हाइट कितनी है। क्या पूरी क्लास को बात समझ में आ गई? कोई डाउन नहीं आता? अब तो एक चीज पर गौर करो, ये वन बाई टू ए इंटू एच हो गया, यहां से वन बाई टू ए कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, अरे हो गया कि नहीं? वन बाई टू ए से तो वन बाई टू ए कैंसिल हो जाएगा तो हाइट कितनी बनती दिखेगी पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, अरे दिखेगी या नहीं? तो इसकी हाइट हो गई पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। क्या मुझे बार बार किसी को करके दिखाना है? नहीं, आगे से मैं सीधा ध्यान रखूंगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी है तो उसके अंदर से जो परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ करोगे उन तीनों का समी किसके बराबर होगा हाइट, और हाइट तुम्हारे सामने आ जाएगी तुम कुछ भी सॉल्व कर लोगे क्योंकि हाइट बेसिकली क्या होती है रूट थ्री बाई टू इंटू। क्या हुआ? अच्छा इसलिए
अगली क्लास में तो आएगी नहीं, कुछ काम आ जाएगा तुझे। दूसरों का ही फंक्शन मनाते रहना, ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारा फंक्शन मनाए। मैं शादी की बात नहीं कर रहा, मैंने फंक्शन की बात की है बस। डन हो गया भाई सबका? कोई आफत यहां तक? तो आगे कभी भी ऐसा दिखेगा तो कर लोगे? लेंथ सम परपेंडिकुलर का सम किसके बराबर होगा भाई? उसकी हाइट। ठीक है, तुम देखो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा लाइन एंड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पूरा पढ़ लिया था। फिर हमने क्या पढ़ा? ट्राइंगल, ट्राइंगल बनता कैसे है, ट्राइंगल की फॉर्मेशन पढ़ाई थी ना, कि दो साइड्स का सम हमेशा पीसी से क्या होता है बड़ा, डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़े इसके सेंटर्स, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल, बाइसेक्टर, उन सबके रिजल्ट हमने पढ़े। उसके बाद हम लोग कहां पे आए थे भाई? सिमिलर ट्राइंगल पे। सिमिलर ट्राइंगल के बाद हम कहां पे आए थे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और फिर हम लोग आज यहाँ पे कहां पे आए भाई? राइट एंगल ट्राइंगल हमने पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ये सारी कहानी समझ में आ रही है? थोड़े थोड़े क्वेश्चन तुम समझ ही पा रहे हो क्या बन रहे हैं? बाकी एक फाइल पूरी टाइप हो रही है, वही कर लेना, ज्योमेट्री में काफी है, क्योंकि उसमें हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिया है। क्योंकि ज्योमेट्री में दिक्कत क्या है ना, इसको कंबाइन करके पढ़ना और एक कंसाइज वे में पढ़ना थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको थ्योरी वाले पार्ट को कॉपी से पढ़ लेना, और क्वेश्चन कहां से कर लेना वहां से, और जो जो नहीं होगा उसमें सर्कल लगा लेना, उसको क्लास में क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। अभी तो सर्कल पूरा रहता है, अभी तो ट्राइंगल पे हमारी बात चल रही है। लमसम ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े भाई, हटाऊं इसको? थक तो नहीं गए तुम लोग? एक क्वेश्चन का जवाब देना। ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है, पूछा है ट्राइंगल कैसा होगा, ऑप्शन बता दे रहा हूं मैं तुम्हें। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और एक होगा नोटा। नोटा समझ रहे हो? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। बताओ जी क्या बनेगा? एक्यूट बनेगा, देखने में ही लग रहा है क्यूट सा। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? एक्यूट ही लग रहा है। कोई और? गर्म पानी? क्या बनेगा भाई? आ जाओ, लास्ट पॉइंट से ध्यान समझ लो, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। तुम एक ट्राइंगल बहुत अच्छे से समझते हो, राइट ट्राइंगल, ये तो तुम्हें पता ही है। ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, बी के सामने वाली साइड बी,
ए के सामने ए और सी के सामने सी। तुम्हें ये भी पता होगा एंगल जितना बड़ा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी, तो यानी ये इसकी सबसे बड़ी साइड है भाई। ये इसकी कैसी साइड है बच्चे? लॉन्गेस्ट साइड। और तुम्हें ये भी पता है कि इसमें लॉन्गेस्ट साइड जो है बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होती है। मानते हो कि नहीं? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये किसकी कहानी है? राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज की। अब इसी के दो भाई और हैं, एक एक्यूट ट्राइंगल जो दिखने में थोड़ा क्यूट सा हो, छोटा सा, बी के सामने बी, ए के सामने ए और सी के सामने सी। मान लो ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, वही तो होगी ना सबसे बड़ी वाली भुजा, तो ये इसकी सबसे बड़ी साइड है। इसमें सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दो के सम के स्क्वायर से कैसा होना चाहिए? छोटा। वहां कैसा होगा? बराबर। और एक तीसरा ट्राइंगल कैसा होगा भाई? ऑब्ट्यूज। तीसरा ट्राइंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कैसा होगा? ऐसा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी के सामने बी, ए के सामने ए और सी के सामने सी। बी इसकी कैसी साइड है भाई? लॉन्गेस्ट। अरे बस समझ, अब बी अगर इसकी लॉन्गेस्ट साइड है तो बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? यहां जो बी का स्क्वायर है वो क्या होगा? बड़ा। किससे? ए स्क्वायर प्लस सी। ये कहानी है भाई इन तीनों की। तो बेसिकली क्या फंडा हुआ? सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करो, छोटी छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम करो, बराबर है राइट एंगल ट्राइंगल, छोटा है एक्यूट ट्राइंगल और बड़ा है तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। फाइव सिक्स और एट कैसा बनेगा ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज। ये नोट कर चुके ये वाला? अब तुम सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, एक मिनट कराता हूं। तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी वाली साइड कितनी है? एट। और इनका स्क्वायर एक जगह सॉल्व कर लो तो ये हो गया 64। ये कितना हो गया? 25 प्लस 36 तो 64, और ये कितना हो गया? 61। तो ये इससे बड़ा है ना, इसका मतलब ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये इससे बड़ा है। बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो के सम के स्क्वायर से क्या है? बड़ा। तो ट्राइंगल 100% कैसा हो गया? ऑब्ट्यूज। कैसा ट्राइंगल हो गया भाई? ऑब्ट्यूज। कुछ आई बात समझ? तो देखने में ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी साइडें हैं तो एक्यूट बन जाएगा। कैसा ट्राइंगल बन रहा है? एक्यूट। अरे समझ पाए? कोई डाउट हो यहां तक भाई? नहीं। तुमने करना क्या है, जितना काम करा दिया इसको रिवाइज करके आना है। इस पे हम लोग क्वेश्चंस पे बात करेंगे और साथ के साथ हम सर्कल को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी तुम लोग जा सकते हो। जिसका नोट नहीं हुआ है नोट कर लो।